नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केळकर। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और केळकर तुरणकर साइकेट्री नर्सिंग होम में एज अ साइकेट्रिस्ट कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए में आज हम डिप्रेशन यानी निराशा और नशा यानी एडिक्शन का एक दूसरे से संबंध है क्या और है तो क्या है, इसके बारे में थोड़े डिस्कस करेंगे। निराश्य, ये आपने काफ़ी एक कॉमन वर्ड है और ये आपने ज़रूर सुना होगा। स्ट्रेस जो आता है ये हर इंसान को आता ही है। रोज़ के दिन के चैलेंजेस की वजह से सभी लोग स्ट्रेस में जीते हैं और स्ट्रेस की वजह से उदासी भी आ जाती है। लेकिन ये जो उदासी है ये कुछ समय तक रहती है और निकल जाती है, फिर वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर ये उदासी चलती ही रहे, काफ़ी घंटों तक चले या काफ़ी दिनों तक लगातार चल रही है, तो ही हम उसको डिप्रेशन यानि उदासीनता कहते हैं। अब ये उदासीनता होने का कारण है जो हमारे ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स हैं उनका ऊपर नीचे होना यानि इम्बैलेंस होना। और यही न्यूरोकेमिकल्स में डोपामिन भी शामिल है जो भी कम होने की वजह से उदासीनता हो सकती है। जनरली क्या होता है कि जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, उदास होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे कुछ करने की कोशिश करते हैं या कुछ खाने पीने की कोशिश करते हैं जिससे उनका मूड अच्छा हो, उनका स्ट्रेस कम हो जाए। और काफ़ी लोग ऐसे भी उनके दोस्त होते हैं, रिलेटिव होते हैं जो उनको नशा करने की सलाह देते हैं कि थोड़ा सा ले अल्कोहल ले ले या थोड़ा बाकी कोई नशा कर ले जिससे तेरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। और इसकी वजह से काफ़ी लोग फिर नशे की शुरुआत कर देते हैं। अब एक बार नशा करने से क्या होता है कि ये जो न्यूरोकेमिकल है डोपामिन, ये डोपामिन की लेवल ब्रेन में बढ़ जाती है और उसे अच्छा लगता है यानी फील गुड इफेक्ट आता है और उसका स्ट्रेस कम हो जाता है। अब वो स्ट्रेस कम होने की वजह से उसको वो आदत पड़ जाती है धीरे धीरे कि स्ट्रेस आया कि मैं नशा करूं, और धीरे धीरे वो नशा करने की आदत बढ़कर वो एडिक्शन में बदल जाती है और वो एडिक्शन बढ़ जाता है और एडिक्शन बढ़ने की वजह से भी डिप्रेशन आ सकता है। और ऑलरेडी अगर डिप्रेशन में वो व्यक्ति है तो वो अगर नशा करे तो डिप्रेशन की वजह से भी नशा शुरू हो सकता है क्योंकि उसका डिप्रेशन उसको कम करना होता है। तो दोनों भी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जनरली ऐसा देखा गया है कि जो लोग नशा करते हैं और नशा करने वालों में ऑलमोस्ट 20% लोग ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन आता है। और डिप्रेशन जिनको आता है उसमें से 25-30% लोग ऐसे हैं जो नशे की शुरुआत कर देते हैं। डिप्रेशन इतना जनरल हो गया है कि वो पहले 5 बीमारियों में उसकी गिनती है। और साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से ऐसा देखा गया है कि जो लोगों को डिप्रेशन है वो लोग मद्यपान का सहारा ज़्यादा लेते हैं, और जो मद्यपान ज़्यादा करते हैं सभी नशा में जो मद्यपान ज़्यादा करते हैं उनमें डिप्रेशन होता है या होने की संभावना होती है। अब हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि नशे की वजह से होने वाला डिप्रेशन और डिप्रेशन की वजह से शुरू होने वाले नशा। दोनों भी मामलों में ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट में दोनों भी हमको ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि दोनों भी अपने अपने जगह पे ज़रूरी है। जो व्यक्ति इस चीज़ से गुजर रहा है, डिप्रेशन रहो या नशा, उसे पहले ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे तकलीफ़ है और मुझे इससे बाहर निकलना है। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इससे बाहर नहीं निकलेगा। नशा करने वाले व्यक्ति यही बोलती है कि मुझे डिप्रेशन है इसलिए मैं नशा कर रहा हूँ,
और मैं नशा मुझे कोई आदत नहीं है, लेकिन डिप्रेशन रहो या नशा रहो उन्हें वो आदत पड़ती ही है और वो उसकी वो आदत की वजह से उनको वो करना ही पड़ता है, नहीं किया तो उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो जैसे नशे की ट्रीटमेंट अगर हमको करनी है तो उसके लिए हमें प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट भी हम ले सकते हैं, जिससे हमारा क्रेविंग कम होगा, हमें प्रॉपर नींद आएगी, हमारी एंजाइटी कम होगी, जिसको एंटी क्रेविंग मेडिसिन बोलते हैं या एंटब्यूज बोलते हैं। और इसके साथ साथ किसी किसी को अगर नशा किए तो कुछ कुछ नशा ऐसी है कि उसकी वजह से विड्रॉल आता है, तो वो विड्रॉल भी रोकने के लिए हम ट्रीटमेंट प्रॉपर ले सकते हैं। अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हम रिहैब सेंटर में एडमिट होके भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके साथ साथ डिप्रेशन जो लोगों को है उसके लिए भी ट्रीटमेंट है, और दोनों की ट्रीटमेंट साथ में चल सकती है। एंटी डिप्रेसेंट्स है, जिसमें SSRIs है, जिसे सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है, तो या फिर और अलग अलग प्रकार के एंटी डिप्रेसेंट्स है उसके मदद से, और एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन है, किस किस को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है तो एंग्जाइटी के लिए भी ट्रीटमेंट होती है, या फिर नींद नहीं आती है डिप्रेशन की वजह से उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। तो ये सब प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो लोग नशा करते हैं तो उनको स्लिप होने के चांसेस रहते हैं, यानी वापस उसी रास्ते पे वो निकल पड़ते हैं। तो ऐसे दौरान उन्हें वापस वो डिप्रेशन आता है कि मैं वापस नशा करने लगा हूँ और मैं अभी इसमें से कैसे बाहर निकलूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार नशा किया इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप सेकेंड टाइम करोगे ही करोगे, और नशा किया इसका मतलब वो रोड बंद हो गया ऐसा भी नहीं है, अब वापस नए से शुरुआत कर सकते हो। इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग करना ज़रूरी है, 1-to-1 इंडिविजुअल काउंसलिंग लेना ज़रूरी है। अल्कोहल के ग्रुप्स होते हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस, उसे ज्वाइन कीजिए, उसमें हमें काफ़ी एक्सपीरियंसेस शेयर करने को मिलती है, लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं, उससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। उसके साथ साथ डिप्रेशन अगर हमको है तो उसके लिए काफ़ी थेरेपीज़ है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, इसके मदद से भी या काउंसिलिंग सेशंस के से भी हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। दोनों भी मामलों में, जैसे डिप्रेशन रहो या एडिक्शन, रिलेटिव्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। रिलेटिव्स के लिए भी काउंसिलिंग होती है, वो भी उसमें सपोर्ट, उनका भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो व्यक्ति स्लिप हो रहा है या बीच में ही उसका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो रिलेटिव्स का काम है उसे मदद करना, उसे वापस खड़ा करना और उसे वापस प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए मोटिवेट करना। तो ये थी एडिक्शन और डिप्रेशन दोनों के बारे में जानकारी। एडिक्शन का डिप्रेशन से संबंध है और डिप्रेशन का एडिक्शन से है, भले ही वो कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एक दूसरे के लिए वो जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं तो जिम्मेदार है। ये थी डिप्रेशन और एडिक्शन के रिलेशन के बारे में जानकारी। आपको और जानकारी चाहिए हो या इसके बारे में आपको एडवाइस चाहिए हो तो आप हमारे केळकर तुळणकर साइकियाट्री नर्सिंग होम के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9503309619। नमस्ते।